अफगानिस्तान पर तालिबान ने पुनः आधिपत्य जमा लिया है। अफगानिस्तान का नाम अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो चुका है। अफगान तालिबान के आतंक से लोग कितने भयभीत हैं, ये हम काबुल एयरपोर्ट के हृदय विदारक दृश्यों से महसूस कर चुके हैं। अफगानिस्तान से इतर अगर भारत की बात करें तो भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय भी अपनी निकृष्ट राजनीति से बाज नहीं आ रहे और इसका दोष भी हिंदुत्व पर डालना चाहते हैं। हिंदुस्तान और सनातन के खिलाफ हमेशा से एजेंडा चलाने वाले वामपंथियों और अर्बन नक्सलियों ने इस बार हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ा है। जब तालिबान के आतंक की बात होनी चाहिए थी, ऐसे वक्त में ये वामपंथी हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिशों में लगे हैं। TFI पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे वामपंथी पत्रकार और अर्बन नक्सल तालिबान की आड़ में दोबारा से हिंदू आतंकवाद का एजेंडा लेकर मैदान में उतर गए हैं। इसके साथ ही यह भी बताऊंगी कि कैसे ये धूर्त लोग इस बार भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। एक पूरा देश इस्लामिक आतंक के प्रकोप से करा रहा है, लेकिन वामपंथियों को इसमें भी हिंदुत्व पर दोषारोपण करना है। आरफा खानम शेरवानी ने संघियों पर भारतीय मुसलमानों को निशाने पर लेने का आरोप लगाते हुए जो ट्वीट किए वो यूं ही नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा था जिसके अंतर्गत किसी भी तरह हिंदुत्व की नकारात्मक छवि पेश करनी है। उदाहरण के लिए स्वरा भास्कर को ही देख लीजिए, 50% अभिनय, 75% फेक न्यूज और 100% वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाने में विश्वास रखने वाली यह एक्ट्रेस ट्वीट करती है, तालिबान के आतंक पर हम हैरान होकर हिंदुत्व के आतंक पर शांत नहीं हो सकते। हमारे मानवीय आदर्श पीड़ित या पीड़ा पहुंचाने वाले की पहचान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जिस समय चर्चा इस बात पर हो रही है कि अफगानिस्तान की स्थिति क्यों दयनीय हुई और या फिर इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर कौन अफगानिस्तान की इस स्थिति के लिए वास्तव में जिम्मेदार है, उस वक्त ये अर्बन नक्सल हिंदू आतंकवाद के सफेद झूठ का राग एक बार फिर अलाप रहे हैं। स्वरा भास्कर इस खेल में अकेली नहीं थी। हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा के लिए कुख्यात पत्रकार सबा नकवी ने ट्वीट किया, सोचिए अगर भारत शरण लेने आए अफगान से पूछे हिंदू हो या मुसलमान, यह है विश्व शांति को हमारा योगदान। मोदी सरकार पर तंज के साथ साथ ये हिंदुओं के प्रति सबा की घृणा को स्पष्ट दर्शाता है। ऐसे ही एक अन्य पत्रकार है मीना कंदासामी जो ट्वीट करती है, जो जानना चाहते हैं कि तालिबान क्या है, वे अफगानिस्तान में वही है जो भारत में आरएसएस है। वे इतनी ज्यादा लिबरल हैं कि उन्होंने इस ट्वीट को रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में भी रखा है, यानी जिनका मीना ने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है केवल वही उन्हें जवाब दे सकते हैं। ये वही वामपंथी और अर्बन नक्सल है जो CAA के प्रति अपना विरोध जताएंगे परंतु चाहेंगे कि भारत सरकार निर्विरोध अफगानी मुसलमानों को शरण दे। इसी विरोधाभास पर तंज कसते हुए TFI के कंसल्टेंट एडिटर अजीत दत्ता ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट में लिखा, वे कहते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हमसे बेहतर है, फिर कहते हैं कि अवैध शरणार्थियों को वापस भेजना गलत है, वे कहते हैं कि हम हिंदू तालिबान में रहते हैं और फिर चाहते हैं कि हम निर्विरोध अफगान नागरिकों को शरण दें क्योंकि तालिबान ने कब्जा जमा लिया है, आखिर क्या बला है ये खान मार्केट गैंग। अजीत दत्ता इस विश्लेषण में गलत भी नहीं है क्योंकि यही खान मार्केट गैंग वैश्विक मीडिया के पोर्टल्स के लिए अपने लेखक भी सप्लाई करती हैं। अब ये लेखक कैसे लेख लिखते हैं उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। इस लेख के शीर्षक से ही स्पष्ट पता चलता है कि जो लेखक है वे किस प्रकार से वर्तमान भारत सरकार को CAA के मुद्दे के नाम पर नीचा दिखाना चाहते हैं और सनातनियों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। यही लोग दानिश सिद्दीकी की हत्या पर तमाम बहाने ढूंढ रहे थे ताकि किसी भी तरह दोष पाकिस्तान या तालिबान पर ना आ सके। असल में वामपंथी बुझे हुए दीपक को बार बार जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि उनके दीपक में एजेंडे का तेल बिल्कुल भी नहीं बचा है। वामपंथी पत्रकार और उनके कुछ पोर्टल्स हिंदू आतंकवाद जो नैरेटिव वर्षों से सेट करने की कोशिश में लगे हैं उसमें वो आज तक सफल नहीं हो पाए। इस वक्त जब पूरी दुनिया में तालिबानी आतंक को लेकर चर्चा हो रही है, उस वक्त भी ये अर्बन नक्सल दोबारा से अपना एजेंडा लेकर आ गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू आतंकवाद जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व वास्तव में है ही नहीं।